रंजन, आज आपको एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा एक बहुत ही फ्रेश और नए टॉपिक के साथ। हालांकि ये जीएसटी से रिलेटेड ही है। अभी तक मैंने जीएसटी पे कई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड, कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड और जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। हमारे रवि जी की, हमारे जो टीम मेट है हेलो टैक्स इंडिया के, उनकी वीडियो है हिमांशु सर के साथ। फर्दर आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक जो है आपका वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इन जीएसटी। मींस जो आप अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हो जीएसटी में, तो उसपे क्या वैल्यू पे आपको जीएसटी देना पड़ सकता है, जीएसटी टैक्स लगेगा भी या नहीं लगेगा, या आपको वो रिफंड मिल जाएगा या क्या, वो सारी चीजें मैं बाद में आपको बताऊंगा। कैसे आप क्लेम कर सकते हो, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अनअवेयर हैं इस टॉपिक से, ऐसे भी लोग होंगे जो थोड़े अवेयर होंगे, हाँ ये होता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जीएसटी में ऐसे कवर होता है। कुछ लोग ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जो गलत बातें जानते होंगे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड, तो कृपया ऐसे लोगों से दूर रहें। ये वीडियो मैं इसीलिए लेकर के आ रहा हूँ, बहुत सारी चीजें इसमें बीच में आ रही थी कि सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे आप एक वीडियो बनाइए जिसमें मुझे आप डिटेल में बताइए कि हाँ सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में ये कवर होता है और जीएसटी हमें इतनी वैल्यू पे देनी पड़ सकती है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को समझाने के लिए मैं आपको पहले इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की थोड़ी सी हिंट दूंगा कि एक्चुअल में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या होता है, उससे आपको एक्सपोर्ट तुरंत ही लिंक हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर आप बोले तो उसकी जो सप्लाई है आउटसाइड इंडिया से आ रही है, मीन्स जो सप्लाई प्रोवाइडर है, मीन्स सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आउटसाइड इंडिया में है, और जो रिसीवर है वो विद इन इंडिया होना चाहिए। रिसीवर अगर आउटसाइड इंडिया है तो उसका इंडिया में कोई लेना देना नहीं है, रिसीवर विद इन इंडिया होना चाहिए। आपकी जो एरिया ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आप उसे कह लीजिए, तो वो भी आपके विद इन इंडिया होना चाहिए, तभी आपका वो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज के बिसाइड अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूँ, जो कि आज हमारा मेन टॉपिक है, उसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। जो आपका सप्लायर है, मीन्स जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो इंडिया का होना चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई और रिसीवर, ये दोनों चीजें आपकी चेंज हो जाएंगी, ये इंडिया से ना होकर के बाहर हो जाएंगी, आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए, वो कोई भी कंट्री हो सकती है, बाहर की भी कहीं की भी। फर्दर आपको सबसे मेन बात जो ध्यान रखने वाली है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में, कि पेमेंट ऑफ सर्विस जो आपकी है, मतलब सर्विस आपने प्रोवाइड की तो आप उसके अगेंस्ट में कुछ पेमेंट रिसीव करोगे, तो वो पेमेंट आपकी फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज मोड में होनी चाहिए। मीन्स ऐसा ना हो कि आप वहाँ के, यहाँ की जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ पे होती होगी इंडियन एम्बेसी, जो कि जैसे कि आप देखते होगे फॉरेन की कोई भी कंट्री है वहाँ की जी यहाँ पे उनकी एम्बेसी होती है, बट यहाँ की भी सेम वैसे वहां पे होती है इंडियन एम्बेसी, तो इंडियन एम्बेसी से कन्वर्ट करा कर रूपी ना ले रहे हो, रूपी वैल्यू में आपका पेमेंट रिसीव सीधी सीधी बात है नहीं होनी चाहिए। और जो पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट जो आपका होना चाहिए वो कोई भी मोड ऑफ पेमेंट हो सकता है, बट कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में ही आपको मिलनी चाहिए पेमेंट, डॉलर हो या फिर यूरो हो या पाउंड, जैसे भी आपको रिसीव हो रहा हो जहां भी, जिस कंट्री से आप डील कर रहे हैं। दूसरी बात, सप्लाई ऑफ सर्विसेज और रेसिपिएंट जो है वो सेम नहीं होने चाहिए। मींस इस पे जो बात आती है वो आती है ब्रांच ट्रांजैक्शन की, कि आपकी एक यहाँ भी ब्रांच है, एक फॉरेन में ब्रांच है, आप उसे सप्लाई दे रहे हो बाहर में, एक्सपोर्ट कर रहे हो, और आप एज्यूम करके कर रहे हो कि मैं क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में कवर हो जाऊंगा और इजिली टैक्सेस पे अगर मैं जो दे रहा हूँ तो वो रिफंड के लिए क्लेम कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है बॉस। आप अगर सप्लाई सर्विसेज एज अ ब्रांच को डील कर रहे हैं तो उसमें आपका एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में वो कवर नहीं होगा। ये थी कुछ बातें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड। उसकी बात आती है बात कि अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया है कि आप रिफंड कैसे क्लेम करोगे, रिफंड करने के क्या क्या क्राइटेरिया है वो अलग बात है, बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप ये जान लीजिए एलिजिबल आप हैं या नहीं है रिफंड क्लेम करने के लिए। ऐसे भी लोग होते हैं जो जिन्होंने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर तो दी है बट वो एलिजिबल नहीं हो पाते हैं कुछ चीजों की वजह से रिफंड क्लेम करने के लिए। वो क्या चीजें हैं, रिफंड के लिए आपके जो फॉर्म है वो है जीएसटी आरएफडी 01A। ये गवर्नमेंट का जीएसटी काउंसिल का एक फॉर्म है जीएसटी आरएफडी 01A, जो कि आरएफडी रिप्रेजेंट करता है आपका रिफंड से रिलेटेड। उसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप उस फॉर्म को कब भर सकते हो, क्या क्या चीजें हो सकती है। वो क्राइटेरिया है टैक्स पेयर इज एनरोल्ड विद जीएसटी पोर्टल एंड होल्ड्स एन एक्टिव जीएसटी नंबर, मतलब जो जीएसटी नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए। कुछ लोग तो जो वीडियो देख रहे होंगे वो ये बोलेंगे सर आप ये कैसी बात करने लगते हो कि एक्टिव जब तक नहीं है तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कैसे करेगा। बॉस मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं कि
कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जिस पीरियड में आपने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की है उस पीरियड में आपका जीएसटी नंबर सरेंडर चल रहा हो, या फिर ऐसे कुछ नोटिस आपके ऊपर कुछ उसके बाद में इशू हो गए हो जिससे आपका जीएसटी खतरे में, आप कह सकते हो खतरे में हो, तो वो सारी बातें ध्यान में रखते हुए आपका जो जीएसटी नंबर है वो पहले तो पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं। दूसरी बात, वो एक्टिव होना चाहिए, इनएक्टिव नहीं होना चाहिए। इसकी बात अगर बाद में बात करें तो फिर आपकी जो रिटर्न्स जाती हैं जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3 ये दोनों रिटर्न्स आपकी प्रॉपरली फाइल्ड होनी चाहिए विद इन ड्यू डेट, और कोई भी ऐसी पेमेंट आपकी बची ना हो जो बाकी हो पहले से और अब आप करने जा रहे हो बाद में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अब आप सोच रहे हो कि हाँ चलिए मैं रिफंड फाइल कर लेता हूँ, तो ऐसे गवर्नमेंट आपको रिफंड नहीं देने वाली है। उसके लिए आपको पहले सारे रिटर्न्स की पेमेंट करनी होगी, रिटर्न प्रॉपरली फाइल्ड होनी चाहिए, वहाँ पे स्टेटस जो शो होता है रिटर्न पे वो सबमिटेड ना होकर के फाइल्ड स्टेटस शो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद की बात करते हैं तो टैक्स पे करना ही होगा, टैक्स पेयर हो आप, आपने वहां से पेमेंट रिसीव कर ली है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट को अब आप वो टैक्स जमा कराइए। जब तक आप वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पहुंचा देंगे तो गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंचा नहीं है। अब आप रिफंड के लिए क्लेम कर रहे हैं तो ये पॉसिबल कैसे होगा, जब तक आप टैक्स पेमेंट गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा देते हैं तब तक आप रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे। मैं तो बिल्कुल सीधा सजेशन आपको दूंगा कि जिस समय आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं इंडिया से बाहर के लिए, वहां पे आप ड्यू टाइम में जैसे पेमेंट आपको रिसीव होती है आप एट अ टाइम पेमेंट कर दीजिए टैक्स की, वो गवर्नमेंट को सबमिट हो जाएगी, उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, वो टाइम दिया है गवर्नमेंट ने आपको। वो प्रोसीजर क्या है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, इसी वीडियो के जस्ट बाद एक वीडियो में लेकर के आऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि प्रोसीजर क्या है, फॉर्म को फिल कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको देने पड़ सकते हैं, में इनवॉइस भी मांगी जाती है उसमें कि हाँ आपने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की क्या वैल्यू चार्ज की, इसकी इनवॉइस दिखाइए, वो सारी चीजें मैं आपको बिसाइड बताऊंगा कैसे क्या चीजें आपको करनी है। अगर एक और बात है, ये मैं खास उन लोगों के लिए भी वीडियो लेके आना चाहता था जो कि गलत इन्फॉर्मेशन लेके बैठे हुए थे कि मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है और मेरी एलिजिबिलिटी तो है ही है, अब तो मैं रिफंड क्लेम कर ही लूंगा। बट सर सीधी बात है, आप रिफंड तभी क्लेम कर पाएंगे जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, उसके पहले आप नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, रिफंड क्लेम का प्रोसीजर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, मीन्स सबसे ध्यान देने वाली बात उसमें ये भी है कि टैक्स पेमेंट आप कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, टैक्स पेमेंट आपकी हो जानी चाहिए। अगर आपने पहले टैक्स पेमेंट ड्यू डेट उसी टाइम पे नहीं की थी एक्सपोर्ट करते समय, तो अब आप टैक्स पेमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको प्रोसीजर सेम वीडियो में ही आपको बता दूंगा। आज के लिए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड इतनी ही बातें थी। फर्दर अभी तक अगर आपने हमारे चैनल पे जीएसटी से रिलेटेड या और भी रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, और हम आपको इसी सेम चैनल पे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट के कॉलम में आपको जीएसटी का फोल्डर मिल जाएगा, उस पे सारी जीएसटी के अभी तक की जितनी भी हमने वर्क किया हुआ है आईटीसी से रिलेटेड, कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, और जीएसटी के जो नए फॉर्म्स आए थे सुगम सहज, इन सब पे रिलेटेड वर्क किया है हम लोगों ने, तो वो आप देख सकते हैं। और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी होती है कि अब हम Amazon Fire TV पे भी अवेलेबल